हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है डिफरेंट पोजीशन की, लाइक टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाला किसने। तो ये जो नोटिफिकेशन ये निकाला गया सीएसआई नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में। तो इस जैसा कि हमें पता है जो सीएसआई एनसीएल पुणे जो लेबोरेटरी, इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ सीएसआईआर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है कि आवेदन जो है वो मांगे गए हैं, और इसमें देखिए जो एप्लीकेशन है वो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, तो इन सबके डिजिग्नेशन के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डिजिग्नेशन की। तो देखिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो डिजिग्नेशन है आप मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वही मैंशन करिए 2, और साथ ही जो पे लेवल है सेवंथ का पे मैट्रिक्स का वो भी यहाँ पे मेंशन किया है, 67,700 टू 2,08,700, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको पर मंथ मिलेगा वो मिलेगा 1,130,136 रुपीज। यहाँ पे अपर एज लिमिट भी यहाँ मेंशन की है 40 ईयर्स की। वहीं अगर बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, तो यहाँ पे देखिए सिंगल पोस्ट है, यहाँ पे लेवल जो आपको 10 मिलेगा, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 84,360, और जो एज यहाँ मेंशन है 35 ईयर। तो ऐसे करके आप टेक्निकल ऑफिसर के देख सकते हैं 12 पोस्ट है यहाँ पे, अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, और जो पे लेवल है वो है 44,900 टू 1,42,400, और जो यहाँ पे एमोलुमेंट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 65,096, और यहाँ पे एज लिमिट जो 30 ईयर्स मेंशन की गई है। वही टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है, 6 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, और यहाँ पे जो आपका एमोलुमेंट मिलेगा वो 52,176 मिलेगा। और टेक्नीशियन की 20 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व की 11, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 5, एससी की 2, एसटी की 1, और जो आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा वो लेवल 2 रहेगा, और यहाँ पे आपको जो टोटल सैलरी या एमोलुमेंट मिलेगा वो मिलेगा 29,200, और यहाँ पे एज लिमिट है 28 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा आपको जो यहाँ पे एमोलुमेंट्स के साथ साथ आपको जो टोटल एमोलुमेंट है वो आपका यहाँ पे एचआरए इंक्लूड किया गया, तो आपको जो भी ये एमोलुमेंट यहाँ फिक्स किया गया इसमें एचआरए जो है इंक्लूड है। अब जो डिपेंड करता है एक्स सिटी की, मीन्स आप अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसका जो एचआरए वो डिफरेंट, लाइक 24% आपको मिलता है, वहीं अगर आप नॉन एचआरए सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे जो एमोलुमेंट है वो एचआरए है वो डिफरेंट होता है। तो पुणे जो है इट इज वन ऑफ द लाइक मेट्रो सिटी, तो यहाँ पे जो आपका एमोलुमेंट्स है वो मेट्रो सिटी की बेस पे ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 नवंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 2 दिसंबर 2020, और जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन वो 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पे देखिए जो हार्ड कॉपी है आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है सीएसआईआर एनसीएल में। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस किया कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, डिजिग्नेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, पे मैट्रिक्स भी, एमोलुमेंट्स भी, और जो अपर एज लिमिट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, पोस्ट कोड दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट भी दे रखी है, और उसकी सेपरेट 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 जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, और ये जो कैटेगरी यहाँ मेंशन इन्होंने की वो अनरिजर्व है, तो यहाँ पे जो डिवीजन है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे आपका बीए बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में विद 55% मार्क्स, और अगर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है ऑपरेशन ऑपरेशन हैंडलिंग मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस में, तो ये जो आपका वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे ही देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है, जैसे कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो दे रखी है, तो अगर आप इन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी अनरिजर्व के लिए जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो मेंशन की जा चुकी है, तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो श्योरली आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर की अनरिजर्व के लिए, तो यहाँ पे जो है आपका एमसीए होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए विद 55% मार्क्स आफ्टर फर्स्ट क्लास बीएससी बीसीए। ठीक है, तो ये आप पे आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आप जो है फुल टाइम एमबीए होना चाहिए आपके पास, और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस में या मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी जो एलिजिबिलिटी है
एसेंशियल क्वालिफिकेशन की और जो लाइक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की वो मेंशन की रखी है। और देखिए एक पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की जो अदर बैकवर्ड क्लास में, यहाँ पे देखिए बायोकेमिकल साइंस डिवीजन में, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मांगा है और विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल है अगर आपका जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस है प्लांट टिश्यू कल्चर में और प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपको यहाँ पे जो है सेवली प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए जो एलिजिबिलिटी और जो उसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्क्रॉल डाउन करने पे नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसका देखिए रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ओबीसी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर और जो एससी एसटी के लिए 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन भी यहाँ मेंशन है। और हम बात कर लेते हैं अब इसका जो फी पेमेंट है कि आपको जो है कितना फी यहाँ पे करना है इसके लिए। तो इसके लिए आई थिंक मे बी आपको 100 रुपीज होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आपको फी पेमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आपको recruit.ncl.rs.in पे जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन जो है वो क्लिक करना है, जिससे कि आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात करें हम पे की, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का जो है पेमेंट यहाँ पे 100 रुपीज की आपको सेंड करना है, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पेमेंट मोड है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप जो है डीडी बना सकते हैं इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट दैट इज NEFT, बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ETC विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक नेम सब मेंशन किया जा चुका है। तो आप जो है पेमेंट जो है NEFT के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे जो है लाइक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप जो है आपका जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको उस पर साइन करने, और साइन करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मार्कशीट है या जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा जो है आपको सेंड कर देना है। ठीक है, और आपको एनवेलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेक्निकल ऑफिसर लिखिए और जो पोस्ट कोड उसका दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एनवेलप पे और सेंड कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR NCL डॉक्टर होमी बाबा रोड पुणे 411008 महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो आपको सेंड कर देना और आपका जो एप्लीकेशन है या आपका जो कुरियर है वो पहुंच जाना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2020 को। तो आपको एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया उसे साइन करना है। साइन करने के बाद आपके जो भी इस लाइक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, टेस्टिमोनियल्स, या आपके जो भी पब्लिकेशन सकर है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, या आपका जो एप्लीकेशन फी का जो पेमेंट प्रूफ है वो सारा जो है आपको सेंड कर देना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया जा रखा है। ठीक है, हम देख ले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो एग्जाम है वो कैसे होगा आपका और आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होगा। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न जो एग्जाम का होगा वो 3 होगा, यानी कि आपका यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, यानी कि आपका जो है 3 पेपर होंगे और इन 3 पेपर्स के बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो आपके क्वेश्चन पेपर होगा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा ये PG बेस पे होगा। ठीक है, तो बीटेक लेवल या BE लेवल या आपका PG लेवल के बेस पे होगा और जो टोटल क्वेश्चन होंगे 200 होंगे और जो टाइम है वो 3 आवर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 की बात करें तो आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 25 होगा दोनों में और यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग होगी, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 3 का, तो हमने पेपर 1 पेपर 2 देख लिया। अब पेपर 3 में को क्या होगा, आप जिस सब्जेक्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के थ्रू जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि PG का सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के जो है 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे और जो निगेटिव मार्किंग है वो रहेगी 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो देखिए आप जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की तो यहाँ पर भी सेम जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है,
ठीक है। अब देखिए पेपर वन जैसे मैंने बोला आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो ये सब मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। पेपर टू होगा आपका और पेपर थ्री कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। तो देखिए इस बेस टाइप में जो है आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का, या मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका इस पैटर्न की बेस पे रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपनी तैयारी कर लें करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।